guys, welcome back to Rinki's Angelican. We are doing monthly videos for September. जैसे हम हमेशा करते हैं तीन टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज. इस महीने जो मैं कार्ड यूज कर रही हूँ वो है सोल्स जर्नी, या आपके करंट पीरियड, करंट मंथ में क्या जरूरी है आपके लिए, किस चीज पे फोकस करना है. मैं बहुत मैसेजेस वीकली और डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे भी डाल रही हूँ, तो आइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए अगर आप अब तक फॉलो नहीं कर रहे हैं. सारी डिटेल्स, लिंक टू माई इंस्टाग्राम पेज इज ऑल्सो मैंशन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो गो हैड फॉलो देयर. ये वैसे ही तीन टैरो कार्ड्स एक एंजल मैसेज हम पुल आउट कर रहे हैं. यस, ये महीने भी मैं वीकली वीडियोज दे रही हूँ. एवरी संडे वीकली वीडियोज भी मेरे चैनल पे आएंगे. सो आई होप दिस हेल्प्स, आई होप आप ये इंजॉय कर रहे हो. और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो हैड सब्सक्राइब, क्लिक द बेल आइकन फॉर एवरी टाइम आई एम ऑन यूट्यूब यू गेट नोटिफाइड. अभी स्टार्ट करते हैं एंड वी मूव ऑन टू कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न मैं आप लोगों के लिए तीन टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं. सबसे पहले कैप्रिकॉर्न मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा अकेलापन, अधूरापन सा महसूस हो रहा है. ऐसे लग रहा है एट दिस पॉइंट ना आप एकदम अकेले खड़े हो, जब आपको सबकी जरूरत है, सबकी मदद चाहिए, कोई नहीं खड़ा है आपके आसपास. दैट लोनलीनेस बोलते ना, अंदर से बहुत खाए जा रही है, जस्ट किलिंग यू. एंड दैट बोलते ना, सब कुछ होने के बाद, यू नो व्हाट आई मीन, इट्स जस्ट सेइंग इवन आफ्टर हैविंग एवरीथिंग, एवरी सुख इन योर लाइफ, पर फिर भी एक अकेलापन, अधूरापन सा बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, विच इज वाई यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली लोनली. अब ये जो कार्ड है ये आपको बता रहा है डायरेक्शन, आपको कैसे आगे बढ़ना है. ये बता रहा है अपने काम पे फोकस कीजिए, ये बता रहा है अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए, अपनी अपना ना कोई पैशन ढूंढिए, एक जो चीज जो आपको बहुत ज्यादा मन शांति सुकून देती है वो ढूंढियो, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट इज योर कॉलिंग. सो समवेयर ये महीना ना आप फोकस कीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है. मे बी यू वांट टू ट्राई आउट अ डिफरेंट थिंग्स एंड कम टू अ पॉइंट वेयर दिस इज समथिंग दैट रियली हेल्प्स, दिस इज समथिंग दैट यू रियली एंजॉय. सो ये महीना आपके लिए अपना कैसे कहते हैं, यू नो, सेल्फ लव पे ज्यादा फोकस करना है, क्रिएटिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है. क्यों? क्योंकि आस पास भी ना बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत डिसएग्रीमेंट्स, बहुत झगड़े दिखाई दे रहे हैं. यू नो, इट्स जस्ट टेलिंग यू एवरीथिंग दैट पीपल, जहां लोगों की बात आती है ना वहां बहुत कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं ये महीने. तो इट्स ओनली टेलिंग यू इट्स टाइम यू फोकस ऑन सेल्फ लव, इट्स टाइम यू फोकस ऑन सेल्फ केयर, इट इज टाइम वेयर इट्स आस्किंग यू कि यार अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है. प्रायोरिटी इस वक्त क्या है आपकी, खुद आप अपने आप की प्रायोरिटी हो. आपकी जो एनर्जीज है, इट्स टेलिंग यू रिलेशनशिप्स, एंजल मैसेज भी आपका यही है रिलेशनशिप. इट्स इसको आपको ऐसे समझना है कि जो आपकी लाइफ में आ रहा है दैट इज मेंट टू बी, और जो नहीं है दैट इज ऑल्सो मेंट टू बी. तो कहीं ना एक्सेप्टेंस से आप भाग रहे हो कि यार ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ. ये बता रहा है इस वक्त जो भी रिलेशन है आपके लाइफ में, जैसा भी है, उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसपे से ना आप एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा लगाकर बैठे हो, विच इज वेयर द लोनलीनेस, विच इज वेयर द डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिविटी, दैट रियली रियली नीड्स टू कम इन टू द पिक्चर. और वो कैसे आएगा, आपके एक्सेप्टेंस से ही आएगा. राइट, आई होप दीज कार्ड्स गाइड यू, दे हेल्प यू, आप ये एडवाइसेस फॉलो करो. एंड प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो विथ योर व्यूज, विथ योर फीडबैक, आई ऑलवेज लव रीडिंग इट. That's about it. Stay tuned, stay connected for lots more. Thank you.